माता जी का मंदिर तो बड़ा प्राचीन है, ये सतयुग का है, माँ सती का यहाँ अंग है ये सब। नहीं, ये माता का पालन पीठ है, माता का विश्व का द्वितीय स्थल है पालन पीठ। माता का यहाँ चेष्ट भाग है, जन्म भाग माता कामाख्या, पालन पीठ यहाँ संघार भाग ज्वाला देवी है। ऐसे 108 भाग टुकड़ा में माई सती का अंग गिरा है, इसमें से एक है। ये माता का पालन पीठ है और माता के यहाँ जो भी अर्जी लगता है वो माई दिल से और मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, मंगल करने वाली है। ये माता का मंगल का विशेष महत्व है, मंगल दोष का भी निवारण यहाँ होती है ना। यहाँ ऐसा है कि ये मंगला माता जो मंदिर है ये बेदी नहीं है यहाँ, उसमें लोग आए हुए इतने दूर लोगों से आए हुए हैं तो सोचते हैं कि हम आए हैं तो बगल में माता जी का मंदिर तो अपने भगर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जाए। यहाँ दर्शन सिर्फ है, माई का दर्शन निमित्त लोग आते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विष्णु पद से ही लौट जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनकी बुलाटा नहीं है। बहुत लोगों को जानकारी की भी कमी होती है। हाँ, यह भी हो सकती है। मंदिर का एड्रेस पूरा क्या है मंदिर का, यहाँ पे जो आना चाहिए? ये बस यही है, माँ मंगला गौरी मंदिर। अच्छा। ये टाउन में फेमस स्थान है। अच्छा। ये जैसे कामाख्या जैसे पूरे आसाम में फेमस है, कोई भी लोगों से पूछ लिया जाए तो बता देते हैं। उसी प्रकार माता का ये मंदिर है, जैसे हमारे विष्णु पद बोध गया है उसी प्रकार की यह भी फेमस है। अब नहीं उनकी बात तक पहुँच पा रहे तो उनकी दुर्भाग्य है कि माँ उनके तक नहीं पहुँचा रही है। बहुत हाँ बहुत शक्तिशाली है और बहुत पालन पीठ है यहाँ माता का, जो है किसी तरह का अनिष्ट नहीं है, सभी को मंगल कामना होती है, माँ सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है। हाँ, हमारे साथ पूरा ग्रुप है, सभी लोग पिंडदान करने आए हैं। हमारी संस्था है मानव मंदिर सेवा आश्रम के नाम से, सभी लोगों जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को जोड़ा है, सभी लोगों को। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पिंडदान का महत्व तो यहाँ पर है ना, पिंड भरने का जो महत्व है वो यहाँ गया का है, तो जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं तो की जाएगी ना। कैसा लगा ये गया आके? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ माता के मंदिर के भी हमारे पंडित जी ने जो पंडे हैं जो उन्होंने कार्य करवा रहे हैं, हमारा 16 दिन का कार्य हो रहा है सभी लोगों का। अभी हम यहाँ पर 14 अक्टूबर तक हैं, तो यहाँ का उन्होंने महत्व बताया तो इसीलिए हम जो इस मंदिर में भैया के दर्शन करने आए हैं सभी लोग। हाँ जी, विधि विधान से कार्य हो रहा है, विधि विधान से कार्य हो रहा है। नहीं, पुलिस व्यवस्था भी सही है, सोचा नहीं, लेकिन जब बुलाया पितरों ने तो आए, दौड़े चले आए। बिहार का नाम ऐसे? हाँ हाँ, सुन रखा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सिकर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, CM शर्मा एडवोकेट नाम है मेरा, है ना। और ये क्या है, पूर्वजों के प्रति हमारी आस्था है। अब वो तो परमात्मा जाने क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कराया तो उनकी सदगति के लिए हम ये यहाँ गया जी आए हैं, गया श्राद्ध के लिए। अच्छा। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिहार का जो नाम बदनाम हो रखा है इतना वैसा है? वैसा नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं लोग, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। जयपुर राजस्थान से आए हैं, माया शर्मा। वहाँ से आप इतनी दूर पिंडदान करने आए? पिंडदान करने आए, पुरखों का पिंडदान करने आए। वहाँ से इतनी दूर आपने मतलब कैसे सोचा? पहले वाले भी करके गए थे, सब कहते हैं पुरखों का करना चाहिए, इसलिए हमारे मन में भी श्रद्धा के हिसाब से आए हैं। बहुत मान्यता है सभी। हाँ, एक यहाँ पे भी पिंडदान हुआ था तो उसी के पिंडदान करने के बाद अब यहाँ दर्शन करने आए हैं। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हिस्टोरिकल प्लेस होता इधर से घूमने पर रहता है। फर्स्ट में हम मेरा सीताकुंड में जाता है, सीताकुंड। ऐसा आपने कभी सोचा था कि बिहार में ऐसा, कोलकाता से आप आए हैं बिहार में ऐसा जगह होगा? नहीं नहीं, मेरा शुद्ध पिंडदान का बात सुनना है, फुलुक नदी से बात सुनना है, किंतु इधर पे तो कुछ मंदिर हो या नहीं मेरा समझ नहीं था, तो मेरा भेरे अच्छा लगता है इधर से।